वेलकम बैक टू आर हिंदी चैनल। जैसे कि पता होगा मैं एनसीटी में यहाँ पे इलाइट्रा लेने आया था और इलाइट्रा मिल चुका है मुझे गाइस। वो है डायमंड कलर के 6 डायमंड। कोई लाइट्रा को भी गाइस मैं यहाँ रखवा देता हूँ। शिट गाइस मेरे पास वाटर बकेट भी नहीं थी 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 थी, थी वाटर बकेट थी पर मैंने ध्यान नहीं दिया मेरी गलती थी। तो गाइस मैं सीधा यहाँ पे बिल्ड करके आया था, मुझे वहाँ पे जाना है। और कुछ शल्कर बॉक्सेस पुश गाइस मार दिया इसने मुझे, बट अभी तो इसको मैं मारने वाला हूँ। शिट 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 लेविटेशन लगा हुआ है गाइस। मैं शील्ड लगा देता हूँ शील्ड से लेविटेशन से बचा रहूँगा। वाइस ये पहली बार देख रहा हूँ मैं कोरस फ्रूट ऐसे ऐसे ये कुछ स्पेशल, ये तो मैंने पहली बार ही देखा था गाइस कोरस फ्लावर। तो गाइस वैसे तो मैं चाहूँ तो एक बार ट्राइडेंट यूज करके ले सकता हूँ रिस्क सांस, बट और उड़ा दिया भाई अच्छी बात है, पर मैं गिरूँगा अभी तो सही है अगर उसने उड़ाया है। तो गाइस मेरा आर्मर इतना पावरफुल है, मतलब इतना भी पावरफुल नहीं है वैसे तो, लेकिन हाँ इतना पावरफुल है कि ये एंडर ड्रैगन से फाइट करते हुए, वो एंडर ड्रैगन मुझे डैमेज दे रहा था लेकिन उसको ही हेल्थ ज़्यादा जा रही थी।
तो ऐसे ऐसे चलते हैं हम। वो गाइस ऊपर एक फ्लावर होते हैं कोरोस का, ये मैंने पहली बार देखा है गाइस। अरे तो बड़ा छोटा सा है एरेंट सिटी। यार एक और एरेंट सिटी ढूंढेंगे गाइस अभी। तो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ ढूंढने एक होर एंड सिटी। तो गाइस अभी मैं पूरे रिस्क पे आगे जा रहा हूँ ब्रिज बनाते हुए। अगर मुझे पीछे से किसी भी एंडरमैन ने मारा तो मैं किल हो जाऊँगा। मैंने अभी क्योंकि दो तीन एंडरमैन को, मतलब एक दो तो मैंने किल कर दिया था लेकिन एक दो को मैंने हिट किया। बट अब मुझे नहीं लगता वो शायद से मुझे मारने आएंगे, तभी मैं थोड़ा रुक के आया हूँ यहाँ पे। अब उनका गुस्सा शांत हो गया होगा। भाई कहाँ खड़ा भाई, गिर जाएगा तो? नहीं मुझे उसको नहीं देखना, देख लिया तो मुझे यहाँ से गिरा देगा और सब कुछ जाएगा। बस जो इंटरसेस में सामान वो बच जाएगा, बाकी सब कुछ जाएगा। वैसे कुछ शोन गेट कर लेते क्योंकि फिर से आगे, जैसे अगर यहाँ पे मुझे नहीं मिलती एंड सिटी तो मुझे आगे जाने के ढूंढना पड़ेगा। दो तो इलाइट्रा लेके चलेंगे गाइस, ताकि वैसे बाई चांस एक टूट भी जाए तो दूसरा भी होगा, लेकिन मुझे तो मेन शेल्कर बॉक्स चाहिए। गाइस सामने एक और एंटिटी मिल चुकी है मुझे, कुछ सेंट्री टिकट ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। बट
क्या आवाजें निकाल रहा था बस भाई जब कोई काम ही नहीं है यार इनको तो एंटरमैन को तो गाइस हम सबसे पहले लेने जा रहे हैं अभी मेन सिटी से और आई थिंक एंटरमैन से पीटेगा अभी आई थिंक मैं उसको हिट नहीं कर पाया शल्कर किसी ने अरे वाओ एक शल्कर मिल गया गाइस मुझे बट पहले मुझे यार यहीं से चलते हैं गाइस वहां से ऊपर बिल्ड करेंगे भाई ये चलकर आई थिंक लूटिंग नहीं लगी हुई ना मेरे इसमें अरे यार लूटिंग की स्वॉर्ड थी भी घर पे बट मुझे लगा कि लगी हुई है तो ये क्या दो नहीं ठीक है एक था तो गाइस ये एंड सिटी बहुत बड़ी है यहाँ से शिल्कर को देखा नहीं था भाई वो शिल्कर ड्रॉप किया इसने मुझे लगा नहीं मैं बात सुन रहा था लेकिन ये आइडिया नहीं था कि शिल्कर इतने सारे होंगे एक और होता है गाइस अरे वाह मस्त शिल्कर अपनी उठाई के लिए एक होर शिल्कर वैसे तो होना चाहिए ये वाला तो पहले अरे वाह इसने भी दे दिया वैनिशिंग का यूज मुझे आज तक नहीं पता अरे इंटरशेष है भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या करूँगा इसमें अभी सिर्फ यहाँ रख देते हैं छुपा देते हैं और ये तो गाइस यूज होते रहेंगे बीच बीच में और भाई तो मैं लेके आया था यहाँ पे गोल्डन एप्पल और इतने कम रह गए मतलब कि जैसे मैंने ये इंटरेस्ट थोड़ी
मुझे भी नहीं पता, बट तोड़ ली अब चलो। अरे वीडियो वाला साइन आ गया किसी को। आई थिंक गाइस ये शलकर ऊपर कहीं पे है। ओके गाइस यहाँ पे ऊपर काफी सारे शलकर होंगे, वो वाला एरिया शलकर का एरिया, इसको गाइस मैंने नाम दिया। बच गया मैं, स्प्रिंट नहीं मतलब जंप नहीं करने लगा था, क्राउच कर रहा था। रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है इसको ये? ओके ओके सच्ची टीपी भी तो हो सकते हैं। तो गाइस अभी तो मेरी बात खत्म हो रही है, इसको तो गाइस एक तो कम करो। आई थिंक मैं अब गिरने वाला हूँ। एक अभी भी बचा हुआ गाइस कहीं ना कहीं पे, जो उसे ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक 6 हो गए होंगे अब मेरे पास टोटल, 5 उसमें थे ना। हाँ 6। आवाज आ रही है गाइस अभी भी इसकी। एक होल शेल्टर का बॉक्स यार होगा यार, अभी मैंने उसको मारा था तो। तो गाइस चल कर कहाँ पे, तो गाइस अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से हम खेल रहे हैं। यार शिल्कर की आवाज तो मुझे आ रही है बट शिल्कर नहीं मिल रहा। तो गाइज अभी मैं 3-4 ट्राई के बाद आ रहा हूँ, और एक बार मैंने एंडर पर्ल यूज़ करके आने की कोशिश की पर गिर गया। दूसरी बार मतलब एंडर पर्ल ऐसे हाथ में थी और वो
स्क्रीन एडजस्ट करते हुए वेश हो गई। वहां तक जा क्या रहे हैं क्या मुझे नहीं पता। बदतमीज एंटरमैन खुद ही इससे पहले गाइस ये मेरे पे हमला करता, मैंने ही हमला कर दिया। आई थिंक किल होना चाहिए था ये तो दूसरी हिट में। तो जैसे मैं भी मैंने बहुत दूर से बिल्ड शुरू किया ये वाला, एंडरमैन गुस्सा हुआ है जी। अब नहीं हमला करेगा गाइस वो, तो गाइस इतने सारे गोल्डन एप्पल्स मतलब मेरे पास 70-80 के आसपास ही गोल्डन एप्पल्स थे। और तो गाइस खिट 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 लग जा बस खिट। तो गाइस यार अभी तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से लेविटेशन, अभी भी 4 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड और एक गिरा गाइस एक। तो मैंने ज़्यादा ही जल्दी ऐसे पानी डाल के हटा दिया कि चलो अब यहाँ से पहुँच गया गाइस। अभी मैं सीधा वॉइड में जाके गिरता। I think at the void में क्या होगा। तो गाइस पहले हम चेस्ट बंद ही करते हैं, हमें नहीं चाहिए चेस्ट। गाइस दो ही लाइट रह गए हैं अब मेरे पास।
एक शेप से ज़्यादा तो यार एक सिर्फ एक यहाँ पे और शल्कर का शेल मिल जाए तो आई थिंक उसकी एचपी तो गाइस बहुत कम होने वाली है। तो गाइज यार यहाँ पे मैंने दो दो एलाइट्रा ले लिया और अब मुझे वापस जाना होगा, पर वापस जाऊँगा कहाँ से। तो गाइज हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और मुझे यहाँ से कुछ एक्सपी भी मिली जो तो गाइज मैंने एक और एलाइट्रा और नौ शेल ले लिए हैं, बाकी सामान मैंने गिर लिया। चलते हैं गाइज वापस ओवरवर्ल्ड में माइनक्राफ्ट। आई सी द प्लेयर यू मीन शिफ्ट।